पत्रकारों से बात करते हुए आज दबी राणा इन्होंने महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। महाविकास आघाड़ी के समय राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी ने जिस तरह से कोरोना के कार्यकाल में चौरसियन कंपनी गिट्टी माफिया, अमरावती का गिट्टी माफिया ने 100 एकड़ ज़मीन के अंदर गिट्टी का जो साठा बनाया, जो गिट्टी स्टॉक की बिना रॉयल्टी लिए 50 करोड़ रुपए की गिट्टी जमा करना, और उसके बाद कोरोना के कार्यकाल में लोग अपने घर में थे, वहाँ के आजू बाजू के गाँव को जो पानी मिलता है, पानी की समस्या बढ़ी, वहाँ पे गांव के घरों को भूकंप जैसे धक्के सहन करने पड़े, वहाँ के किसानों की ज़मीना खराब हुई, उसके बावजूद मुख्यमंत्री के पास कंप्लेंट करने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं। जब वहाँ पे कलेक्टर के माध्यम से रेड की गई, वहाँ स्फोटक पदार्थ मिले, चौरसी के ऊपर गुना दाखिल हुआ, वो सब पदार्थ जब्त करने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे यानी अमरावती के मंत्री इन्होंने उसको सपोर्ट करते हुए 50 करोड़ रुपए की पेनल्टी वो 16 करोड़ पे लाई और 10 करोड़ रुपए मातोश्री पे पहुँचाने का काम किया। और मुझे लगता है जब कोरोना के समय भी अगर मलिदा खाने का काम राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया है, उसकी इंक्वायरी हमारे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल साहब ने विभागीय आयुक्त नागपुर के माध्यम से लगाई और आज ही काम बंद करने का भी उन्होंने ऑर्डर दिया है। तो मुझे लगता है दूध का दूध पानी का पानी ये आने वाले 15-20 दिन में क्लियर होगा, और जिन्होंने इसके अंदर मलिदा खाया, जिन अधिकारियों ने उसको बचाने की कोशिश की, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसा है, गए 2.5 साल में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कर्तव्य पूरा नहीं किया। मातोश्री पे बैठ के उन्होंने सिर्फ मुंबई महानगर पालिका के ठेकेदारों की जो खोके आते थे वो जमा करने का काम किया। उन्होंने एक मातोश्री की दो मातोश्री बनाई पर लोगों के घर बसाने का काम नहीं किया, खुद का घर बसाया। तो मुझे लगता है MLC रहने के बाद उस सभागृह में नहीं आना तो उस सभागृह का अपमान ही उन्होंने किया। जिस तरह से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनके महाराष्ट्र पे अन्याय किया है, उसी तरह MLC बनके उन्होंने सभागृह का अपमान करके यहाँ पे गए, सभागृह में आए नहीं है। वो सभागृह का अपमान नहीं है, पूरे विदर्भ की जनता का अपमान किया।